हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, अमीर बनने का फार्मूला। अमीर बनने का फार्मूला क्या है? सिंपल, ट्रेडिशनल एजुकेशन मैंने लिखा है इज इक्वल टू जॉब। जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं तो वो हमें कहाँ लेके जाती है? जॉब के ऊपर, क्योंकि कोई वहाँ पर फाइनेंस की बात नहीं की जाती। फाइनेंस कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करके आगे उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं अपनी वीडियोस में आम तौर पर बताता हूँ M3 का फार्मूला। M3 का मतलब है मनी मेकिंग मेकिंग प्लस मल्टी मैनेजिंग मैनेजिंग और मल्टीप्लाइंग। मतलब M3 का फार्मूला कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो फिर जब वो बाहर आके फील्ड में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, क्योंकि जॉब मिलनी नहीं है। जॉब मिलनी नहीं, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर उनको कोई ना कोई डिप्रेशन होगा, कुछ और कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को देख के, ध्यान में रख के, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन है जो जॉब के लेके जाता है, जो सेल्फ एजुकेशन है अपने ऊपर, रियल एजुकेशन जिसको मैं बोलता हूँ, सेल्फ एजुकेशन और रियल एजुकेशन जिसको अपने आप के ऊपर करना है। लोग ग्रेजुएशन समझ करके समझते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म होगी, हमारी एजुकेशन खत्म होगी। नहीं दोस्तों, असली पढ़ाई तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आपकी पढ़ाई ट्रेडिशनल पढ़ाई खत्म हो, मतलब खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, असली एजुकेशन तो तब शुरू होती है जब लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। लोग कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं, तो जब वहां जाके धक्के खाने पड़ते हैं तो तब जाके पता लगता है कि हम खड़े कहां हैं। मेरा एक दोस्त है देविंदर, वो हमेशा कहता है कि अकल जो आती है बादाम खाने से नहीं आती, अकल धक्के खाने से आती है। जितना आदमी धक्के खाएगा उतनी ज्यादा अकल आएगी। जैसे हम धक्के खाने शुरू करते हैं तो हम कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई और कोई प्रॉब्लम हो जाती है और मायूस हो जाते हैं हम। तो मायूस तो होनी होनी है, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो हमें कहीं नहीं लेके जाती। सिंपल, कहाँ लेके जाती है? जॉब की तरफ। और जॉब हमने हमें मिलनी नहीं, मिल भी गई तो 10,000 15,000 20,000 वाली, उसमें गुजारा नहीं है। तो ये हम इसी तरीके से हम सारी उम्र डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपनी अपनी जॉब से, अपनी ज़िंदगी में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि पहले जॉब मिली नहीं, यदि मिल गई तो उसमें गुजारा नहीं है। तो फिर बाद में आदमी की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और पेरेंट्स की जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, तो 20-30 हज़ार में मैं कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए जो अपने आप के ऊपर जिन्होंने काम करना है, जो अपनी सेल्फ एजुकेशन लेते हैं, जो रियल एजुकेशन के लेते हैं, रियल एजुकेशन के पीछे पढ़ते हैं, वही आदमी आप जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हो, ये सचिन तेंदुलकर हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, जिसने अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आदमी ही लोगों से आगे निकलता है। नहीं तो आम लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखें। सेल्फ एजुकेशन और रियल, जो सेल्फ एजुकेशन, रियल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में फर्क जाने, जब आपको इसका फर्क पता लग गया तो आप खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, ट्रेनिंग लेनी शुरू करोगे, अपना माइंड है जो वो डेवलप करना शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करोगे, तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द आपके नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।